हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल का रीहाइड्रोजनीकरण के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो अल्कोहल होते हैं उनमें क्रियात्मक समूह जो प्रेजेंट होता है वो होता है OH ग्रुप। OH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। और अल्फा कार्बन पर जो H प्रेजेंट होते हैं वे कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या लिया आपने यहाँ पर? ये आपने लिया यहाँ पर अल्कोहल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, उसमें होगा क्या? उसमें OH बंद ये बॉन्ड ब्रेक होगा और अल्फा कार्बन और H ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या कि H और H, H और ये वाला H, ये तो आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर निकालेंगे क्या? ये तो यहाँ पर H2 को रिमूव करेंगे। और आप जानते हैं रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल, उसी को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बचेगा क्या कि ये तो हो गया आपका कार्बन। इस कार्बन की यहाँ पे दो वैलेंसी क्या है? फ्री। और कार्बन और ओ के बीच में क्या रहेगा? डलवन। और आप जानते हैं कि जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और ये ग्रुप जिन कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो कहलाते हैं क्या? कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। और जो ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं ये कहलाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है अल्कोहल के रीहाइड्रोजनीकरण की, ये रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस होगी। और यहाँ पर जो डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर होगा वो होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन में हम कराते हैं अल्कोहल का रीहाइड्रोजनीकरण। और आप देख रहे हैं कि अल्कोहल के रीहाइड्रोजनीकरण में होगा क्या कि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा उसमें से OH का तो जाएगा H और अल्फा कार्बन का H, H और H निकालेंगे क्या? H2। और आपको मिलेंगे क्या? कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिलेंगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर एक तो अल्कोहल है कौन से, एक तो होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और जो ये प्राइमरी अल्कोहल होते हैं यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये कॉपर की प्रेजेंस में और 573 केल्विन टेम्परेचर पे ये तो यहाँ पर आपको देंगे क्या? एल्डिहाइड। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उनके डिहाइड्रोजनेशन से आपको प्राप्त होते हैं एल्डिहाइड। इसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पर आप लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और जो ये सेकेंडरी अल्कोहल है इसका आप यहाँ पर कराएंगे कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे डिहाइड्रोजनेशन। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल होंगे वो यहाँ पर देंगे क्या? वो यहाँ पर देंगे कीटोन। यानी जो 1 डिग्री अल्कोहल हैं उनसे तो आपको मिलेंगे एल्डिहाइड और जो 2 डिग्री अल्कोहल हैं उनसे आपको मिलेंगे कीटोन। लेकिन जब बात यहाँ पर होगी किसकी? 3 डिग्री अल्कोहल की जब यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर सेम कंडीशन अगर आप लें यानी कॉपर की प्रेजेंस और 573 केल्विन टेम्परेचर, तो एक बात आप जानते हैं कि जो ये 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनमें तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन नहीं होगी। इसमें होगा क्या? इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो यहाँ पर एलिमिनेट होगा। यानी कहने का अर्थ ये कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ वो रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल से जो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो देखिए यहाँ पर क्या होंगी? वो होंगी एल्कीन। तो यहाँ पर ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम तीनों की जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल की 1 डिग्री अल्कोहल की।
तो देखिए आप यहां पर मैंने ये लिखा इस प्रकार से, ये लिया मैंने R, ये हो गया यहां पर CH2 और मैंने यहां लगा दिया OH। अब आप ध्यान से देखें इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, OH। OH के पांच वाला कार्बन क्या है, अल्फा। नंबर ऑफ अल्फा H कितने हैं, 2 हैं। तो ये कैसा अल्कोहल है, यह एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब जो आपने यहां पर ये प्राइमरी अल्कोहल लिया है इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे कॉपर की प्रेजेंस और 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया है इसमें होगा क्या, अल्फा कार्बन का कौन जाएगा H और OH का कौन जाएगा H। तो अल्फा कार्बन का H तो ये हो गया और OH ग्रुप का H ये हो गया। तो होगा क्या कि ये दोनों H आपस में रिएक्शन करके ये यहाँ पे रिमूव करेंगे क्या, ये यहाँ पर निकालेंगे H2 गैस को निकालेंगे। और आप जानते हैं H2 गैस का जो रिमूवल है उसी को हम कहते हैं क्या, डिहाइड्रोजनेशन। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा RCHO और जो आपको यहाँ मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया R, ये हो गया C, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन H और कार्बन और O के बीच में आ जाएगा डलवॉन। और जो यहाँ पर आपको मिलेगा ये तो हो जाएगा क्या, एल्डिहाइड। और आपको मैंने शुरुआत में बताया भी था कि जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे 1 डिग्री अल्कोहल होंगे उनसे आपको क्या प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड। यानी बेसिकली अगर देखा जाए क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, H2 निष्कासित हो रहा है, तो ये एक प्रकार से ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहां पर हम लेंगे कौन सी रिएक्शन, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया, अब यहां लिखा मैंने R, ये हो गया यहां पर क्या CH और यहां लगा दिया मैंने OH और यहां लगा दिया मैंने R डैश कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, OH। और OH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। इसमें देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो ये जो अल्कोहल आप यहां ले रहे हैं ये कौन सा अल्कोहल है, यह एक 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब जो आपने यहां पर ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया है इस 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे, कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, कॉपर की प्रेजेंस और साथ में लोगे आप यहां पर 573 केल्विन टेम्परेचर। अगर आप चाहें तो आप यहां पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का मीन्स क्या है, सेम है। अब होगा क्या, मेथड क्या रहेगा, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था बिल्कुल सेम। कैसे, OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H और आप जानते हैं H और H ये यहाँ पे रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या, ये यहाँ पर रिमूव करेगा किसको, H2 गैस को रिमूव करेगा। और आप जानते हैं रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पीछे बचा क्या, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, कार्बन जिस पर ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ, ये एल्काइल ग्रुप। आप जरा ध्यान से देखिए कि कार्बन और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब ये यहाँ से जाएंगे तो कार्बन और ओ के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, कीटोन। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होंगे उनसे तो आपको मिलेंगे एल्डिहाइड और जो 2 डिग्री अल्कोहल होंगे उनसे क्या मिलेंगे आपको, इस रिएक्शन में कीटोन प्राप्त होंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो यहां देखिए अगर आप यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी कैसे। तो यहां देखो मैंने ये लिया CH3, ये लिया C, यहां लगा दिया मैंने क्या CH2 और एक H, ये क्या हो गया, ये भी मिथाइल ग्रुप है, यहां लगा दिया CH3 और मैंने यहां लगा दिया क्या OH ग्रुप लगा दिया। अब आप जानते हैं जो यहां पर मैंने अल्कोहल लिया है इस अल्कोहल का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, OH। OH के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। अगला क्या होता है,
बीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये थ्री अल्कोहल है इसमें एक भी अल्फा एच नहीं है, तो ये कैसा अल्कोहल है? यह एक थ्री डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। और आप जानते हैं टर्शरी अल्कोहल में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पर आप करेंगे रिएक्शन, रिएक्शन जब आप यहाँ करेंगे तो जो कंडीशन है वो सेम रखेंगे जो आपने ऊपर जो दोनों रिएक्शन लिखी है उसमें रखी है। तो यहाँ पर आप लेंगे क्या, यहाँ पर भी रिएक्शन कराओगे आप कॉपर की प्रेजेंस और 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें अल्फा एच क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पर तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी एलिमिनेशन की। और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, जल का जो अणु है, वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। देखिए आप यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगा एलिमिनेट, इस बॉन्ड को तो आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे इस प्रकार से, ये तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और जो ये बॉन्ड है इसको आप शिफ्ट कर देंगे एच और ओ एच के बीच में। तो आप जानते हैं कि एच और ओ एच, ये जो आप देख रहे हैं ये एच और ओ एच आपस में रिएक्शन करके, देखिए यहाँ पर ये रिमूव करेंगे किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। और आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल का जो रिमूवल है उसको हम कहते क्या है, उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर हुआ क्या, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है डिहाइड्रेशन, कौन से अल्कोहल में, थ्री डिग्री अल्कोहल में। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा एच क्या है, एब्सेंट। अब देखिए आप यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ देखिए लिखा है मैंने क्या, CH3। इस वाले कार्बन से भी क्या लगाओ यहाँ पर, CH3। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से है, एक बॉन्ड आपने शिफ्ट और किया तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर केवल क्या बचा अब, CH2। ये आपको यहाँ पर मिलेगी एल्कीन, और यहाँ पर जो एल्कीन मिली है इसको अगर आप नाम लिखेंगे तो 1, 2, 3, तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा 2-methyl propene। ये इस एल्कीन का नाम है 2-methyl propene। और ये जो 2-methyl propene है, आपको मैंने बताया था शुरुआत से ही कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होंगे वो इस रिएक्शन में क्या देंगे, एल्कीन देंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों सेम कंडीशन में रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है वो तो देता है एल्डिहाइड, जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो देता है कीटोन, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो देता है एल्कीन। तो इसके बेस पर हम करते क्या है कि जो तीनों टाइप के जो अल्कोहल हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं, विभेद हम कर सकते हैं, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।